पप्पू काला बहुत मशहूर डॉन है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज हम अपने चैनल पर उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने वाले। जल्दी दिखाइए ना, जल्दी दिखाइए। रुक जा बे सबरे, पहले कमर्शियल तो देख ले। यार नबील, यार आज बड़ी गर्मी है, रोजा भी बड़ा लग रहा है, तुम जरा बाजार से जाके बेसन तो ले आओ। यार महमूद साहब, आपको नजर नहीं आ रहा मैं मसरूफ हूँ। किस चीज में? मैं टीवी देख रहा हूँ यार। अरे टीवी पे ऐसा क्या आ रहा है रमजानों में? अरे महमूद साहब, अभी अभी खबर आई है, पड़ोसी मुल्क का डॉन कई सालों से बेस बदल कर हमारे मुल्क में रह रहा है। डॉन? हाँ पप्पू काला। काला पप्पू कैसे हो सकता है यार? काला पप्पू नहीं महमूद साहब, पप्पू काला। उसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। अरे फिर दफा करो यार नबील। अरे फिर तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। नहीं मामू साहब, मैं उस डॉन को जरूर पकड़ूंगा और गिच्ची से पकड़ूंगा। अरे दो कदम पे जाके तुम बेसन तो पकड़ नहीं सकते, उस डॉन को क्या खाक पकड़ोगे? मामू साहब, अरे चुप करो, घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। मैं जा रहा हूँ बेसन लेने, और याद रखना नबील, एक पकौड़ा नहीं खाने दूंगा तुम्हें मैं। अफ्तार में जो मुझे आप एक भी नहीं खाने देंगे वो पकौड़ा होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आज तो सुबह सुबह ही रोजा लग गया है ना। रशीद, 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 रशीद। क्या हुआ माँ जी? वो निकल गए। क्या निकल गए माँ जी? वो ही जो अभी मेरे कमरे से निकले थे। आपके कमरे से क्या निकले थे माँ जी? और वही जो मोटे मोटे से नहीं होते चूहे? माँ जी आपके कमरे में चूहे कहाँ से आ गए यार? मैं तेरे अब्बे की बात कर रही हूँ, वो निकल गए। ओ माँ जी, अब्बा तो मेरे बचपन में निकल गए थे यार। ओ मैं तेरे दूसरे अब्बा मंजूर की बात कर रही हूँ। ओ माँ जी, मुझे दूसरा अब्बा मंजूर नहीं है, वो आपका मियाँ है और उसका नाम महमूद है और वो पैसे लेने गए। मैं क्या करूँ, मैं तो उनसे दही मंगाना भूल गयी। ओ माँ जी कोई बात नहीं, रहने दे, आप पहले ही बड़ा दही बनाती है यार। नबील, नबील, अरे इधर देखना टीवी पर। ये है वो मशहूर डॉन। माँ जी, हाय हाय, मेरा मियाँ बेसन लेता हुआ पकड़ा गया। अरे नहीं, ये है वो खतरनाक डॉन जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी है, और इसको पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा। कितना? वो मैं अगले बुलेटिन में बताऊंगी बच्चू, टाटा। और पुत्र, ये क्या बकवास कर रही थी मेरे मियाँ के बारे में? ओ माँ जी, आपका मियाँ अंडरवर्ल्ड का डॉन है, डॉन। ओए नहीं 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 नहीं। जा रहे? अरे भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है, वॉलेट भी मैं घर छोड़ा हूँ, मैं तो सौदा लेने के लिए निकला था। अरे बॉस, हम आपको क्या मोबाइल छीनने लग रहे हैं? हमारे पास तो अपने महंगे फोन से। कहाँ है? वो साथ लेके नहीं निकलते, छीन ना जाए ना। अरे बॉस, छुपने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी खबरें टीवी पे चल चुकी है। मेरी खबर? अरे हाँ, अब हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा बॉस। अरे कौन बॉस, किसका बॉस? मैंने तो सारी जिंदगी नौकरी नहीं की है, ये तुम लोग हो कौन? अरे बॉस, हम लोग अपना नाम नहीं बता सकते, हम लोग सीक्रेट मिशन पर आए हुए। हम सिर्फ अपना कोड बता सकते हैं, मैं हूँ 000 और मैं हूँ 111। बॉस आपका कोड क्या है? क्यों, तुमने मुझे खोलना है क्या? अरे बॉस, ये जुगतों का वक्त नहीं है, हम तुम्हें लेने आए, चले हमारे साथ। अरे यार तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो भाई। अरे मैं महमूद हूँ, महमूद साहब, बुलबुले वाला। बॉस आप डॉन है, डॉन। डॉन? मैं हूँ डॉन। आए मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ शगुफ्ता, मेरा मियाँ तो डॉन निकला है। अल्लाह जी, नबील हो सकता है हमें कोई गलत फहमी हुई हो यार। ओ जानू, मैंने और माँ जी ने अपनी आंखों के साथ महमूद साहब की तस्वीरें टीवी पर चलते हुए देखी हैं। वो डॉन है, डॉन, भेस बदल कर हमारे साथ रह रहा था। कैसे हो सकता है यार? ये हो गया है जानू, तभी तो वो आदमी नौकरी नहीं करता ताकि वो पहचाना ना जाए। तुम खुद सोचो, इतने महंगे बाल उस आदमी ने कैसे लगवा लिए? कैसे लगवाए? ओ भाई, उसे अंडरवर्ल्ड से पैसे मिलते हैं। और फिर भी उस खबीस इंसान ने मुझे ईद के कपड़े ना दिलवाए। और इसीलिए माँ जी, मैं आपसे कहता था कि उस शख्स से तलाक ले लें, अब तो आपको पता चल गया ना कितना खतरनाक आदमी है वो। अरे पुत्र, तूने उसको नहीं देखा जब वो सो के उठता है ना? और इतना डरावना लगता है, मेरी चीखें निकल जाती है। नबील, महमूद साहब तो इतने सालों से हमारे साथ रह रहे हैं यार। वो जानू, बुलबुले शुरू होने से एक हफ्ता पहले वो आए थे मेरे पास, मुझे क्या पता वो कौन है और कहां से आया है। ओए अब मेरा क्या होगा पुत्र? माँ जी, उस शख्स ने आपको धोखा दिया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। माँ जी आप प्लीज सोने को कभी ना बताइएगा कि उसका बाप एक डॉन है। क्या? आए! मेरा बाप डॉन है, मैं डॉन का बच्चा हूँ? नहीं। ओ माँ जी, ये तो आपसे भी बड़ा ओवर एक्टर है। अरे छोड़ो यार, अरे मैं बॉस नहीं हूँ ना ही डॉन हूँ। यार ये बॉस मान क्यों नहीं रहा कि ये डॉन है? अरे यार, इतने अच्छे से सबसे छुपके रह रहा था, इसीलिए आदत पड़ गई है।
बॉस सिचुएशन समझे यार। अरे कैसी सिचुएशन? बॉस आज के बुलबुले की एपिसोड की सिचुएशन। हाँ इसमें आप डॉन है और हम आपको लेने आए। आए गाड़ी में चले। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी अभी आ जाएगी। टैक्सी! उल डॉन को पकड़ो। आए आए अल्लाह जी, और मेरी भी क्या किस्मत है रफीक, मेरा पहला मियां चर्सी तो दूसरा डॉन। आए अल्लाह जी, मेरी जिंदगी में कब कोई शरीफ आदमी आएगा? अब तो मरने के बाद ही आएगा माँ जी। ना मैं मरे हुए आदमी का क्या करूँगी पुत्र। अरे आप लोग अभी तक यहीं बैठे, जाए जाके उस डॉन को पकड़े। ओए हम तेरे बाप के नौकर हैं क्या है? अरे उस डॉन को पकड़ने वाले को 1 करोड़ इनाम मिलेगा। क्या? माँ जी अब उस धोखेबाज और फ्रॉडी आदमी से ना बदला लेने का एक ही तरीका है। वो क्या है पुत्र? माँ जी उसे पकड़ कर हम 1 करोड़ रुपए हासिल कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि आपका बेटा आपकी तीसरी शादी कितनी धूमधाम से करता है। जीता रहे मेरा पुत्र, चल जाके डॉन को पकड़े। वो कैसे पकड़ोगे, वो डॉन है कहाँ? भाई रुको रुको रुको, ये बताओ कि यहाँ पे कोई वर्कशॉप है? अबे ये वही बंदा है जिसकी अभी टीवी पे खबर चल रही थी। अरे यार इस पे तो 1 करोड़ का इनाम है। 1 करोड़? अबे रुक जाए बॉस। अबे चल दबाओ। रुक जाए वरना गोली मार दूंगा। आप लोग मुझे जानते हैं? अभी 10 मिनट पहले तेरा फोन खुल चुका है कमीने। माँ जी, माँ जी पकड़े। क्या वो क्या 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 कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? माँ जी देखें से इस डॉन को चेक करें, कपड़े चेंज करके आ गया है। चले माँ जी जश्न मनाए। यार मैं डॉन नहीं हूँ यार। बॉस आपको नहीं पता, आप ही हमारे डॉन हो। असल में बॉस आप खुद इतने अरसे से ये अपना होली और नाम बदल के रहे हैं, आप खुद भूल चुके हैं आप कौन हैं। फिक्र ना करें बॉस, अभी आपको एक बोतल पिलाएंगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अरे मेरा रोजा है यार। बॉस आप कब से रोजा रखने लगे? चले कोई नहीं, हम आपके लिए अफतारी अरेंज कर लेते हैं। क्यों 000? हाँ 001। क्या तुम लोग अफतारी तक मुझे यहीं पे रखोगे? बॉस अब तो आपको यहीं रहना है हमारे साथ। क्यों भाई? अब 001 ये समझ क्यों नहीं रहा यार? बॉस 11 मुल्कों की पुलिस आपके पीछे लगी है, आपके चक्कर में हम भी घट जाएंगे। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया यार कि 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे लग गई है? आप भी तो अपनी ट्रक से बात नहीं आते बॉस, जिस मुल्क में स्मगलिंग करने जाते वहाँ शादी कर लेते। लगता है बॉस भाभियों ने आपकी कंप्लेन कर दी है, तभी तो पुलिस आपके पीछे पड़ी है, वरना आपको जानता ही कौन है। हाँ आपसे ज्यादा लोग तो हमें जानते हैं। हाँ हाँ पान वाला सिगरेट हमें उधार देता है और मोबाइल वाले से भी बैलेंस हम उधार में लेते हैं। अरे जैसे डॉन पर यार। यार मैं डॉन हूँ ही नहीं। अरे मैं कितनी मर्तबा कह चुका हूँ कि मैं महमूद नहीं हूँ, डॉन हूँ। डॉन यही तो हम तुझे कह रहे हैं कि तू है डॉन, तू है डॉन, तू है डॉन, डॉन डॉन डॉन। देख लिया माँ जी? पुत्र अच्छा नाची हो ना मैं। माँ जी आपने देख लिया ना, इस शख्स ने खुद इकबाल जुर्म कर लिया। हाय इसका नाम इकबाल है। माँ जी इसका नाम पप्पू काला है, पप्पू काला। हाय पुत्र ये काला कहाँ से है? ओ माँ जी ये शख्स जो है ना दिल से काला है, दिल से। घटिया आदमी, इतने सालों से हमें बेवकूफ बना रहे थे, अब तुम्हें सजा से कोई नहीं रोक सकता। ए, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम लोगों को। आम होते क्योंकि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, तू एक डॉन है और मैं इस मुल्क का शरीफ और वफादार शहरी। तेरी इस बदतमीजी के लिए मैं तुझे एक थप्पड़ मारता हूँ। तेरी ये जुर्रत साले। जानू इसके बाल नोचो। नोचो जानू, नोचो बाल, नोचो जानू, ऐसे जानू, ऐसे जानू, ऐसे। यार तू समझ क्यों नहीं रहा, तू ही हमारा बॉस है यार। बॉस नहीं हूँ यार। ओ यार इसे समझा यार, इसकी जान को खतरा है। देख बॉस बहुत होगी, अब तू हमें तबा रहा है। हकुबर ने तेरे पे 1 करोड़ का इनाम रखा है, अब अगर तूने हमें ज्यादा टेंशन दी ना हम तुझे खुद पकड़वा देंगे। अबे हाँ ना यार समझने की कोशिश कर, इधर हमारे दुश्मनों को टीवी देख के पता चल गया कि पप्पू काला तू है। कितने लोगों ने तेरी सुपारी ली थी कुछ पता भी है तुझे? अरे लेकिन मैं तो सुपारी खाता ही नहीं हूँ भाई। अबे यार अबे अपने बाल क्यों नोच रहा है, इसके नोच। हाँ
अरे नहीं यार, मैंने अभी नए नए लगवाए हैं। मामा मोहब्बत का ये वो दी है मुस्तकीम, वो क्या? वो जो मीठा होता है आम। हाँ, आपने मेरी बरसों की मोहब्बत का ये आम दिया है। ये आपने मेरे साथ क्या किया है फवाद खान? क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। और डॉन के बच्चे रोजे में मेरी माँ को नचवा रहे हैं। बच्चा, एक बार मेरे हाथ तो खोल के देख साले। पागल नहीं हूँ मैं तेरे हाथ खोलूं ताकि तू मेरी कोट लगाए। आप तो तेरे हाथ फूल सी खोलेगी बच्चू। और मैं किन पागलों में फंस गया हूँ यार। एक तो तूने हमें वो बनाया। वो क्या? वो नहीं बोलूंगी, बच्चे देख रहे हैं। ओए सालमा, तूने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा? हमारा बच्चा? अच्छा, तू अपने बच्चे को भी भूल गया? वो देख तेरा बच्चा। नहीं नबीन, ये आदमी मेरा बाप नहीं है, डॉन है, डॉन। इस मासूम बच्चे को भी पता चल गया कि तू डॉन है। और तुम सबके सबसे ठिया गए हो। चुप कर। याद आया? नहीं। अब कुछ याद आया? नहीं। अब इसके सर में गोली मार के देंगे। यार खुदा के पास से मुझे जा रहा है, तो मेरी छोटी सी मुन्नी सी बीवी है। बकवास बंद कर। पोस्ट के बच्चे। चुपचाप बैठा रहे साले, हमें भी अपने साथ मरवाएगा। साले तेरा टाइम तो पूरा हो गया ना, इसीलिए तेरे को टेंशन नहीं है। हमारी तो प्रमोशन भी नहीं हुई। हाँ, खुद ने तो 11-11 शादी कर ली है, हमें एक भी नहीं करने देगा क्या? बैठा रहे यहीं पे, इस वक्त पुलिस तुझे हर जगह तलाश कर रही है। खुदा की कसम मैं डॉन नहीं हूँ यार, मेरा यकीन करो। अरे हमसे क्यों छुपा रहे हैं, हम तेरे ही आदमी है, कोई पुलिस वाले नहीं है। अबे तू समझ क्यों नहीं रहा गुगलू? बॉस रोजा रखे तेरा दिमाग खराब हो गया। एक काम करते हैं, बहुत से कुछ खिला के इनका रोजा तोड़वाते हैं। नहीं नहीं, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, चाहे तुम मेरी जान ले लो, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। अरे अरे खुदा के लिए मुझे कुछ खिला दो, मेरा रोजा नहीं है। ओए डॉन बनते ही तूने रोजा तोड़ लिया। और मेरा रोजा है ही नहीं। ना तो हमारा तो है ना, चुप करके बैठा रहा। खबरदार जो इधर से हिला हो तू। खुदा के वास्ते यार, इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। नबील। हाँ जानू। इस लड़की का नाम जानू है। खबरदार, ये मेरी जानू है। हाँ जानू बोलो। नबील, तुमने इस डॉन को यहाँ क्यों बांध रखा है? हाँ जानू ठीक कह रही है, मुझे जाने दो। अरे नबील, भट्ट साहब को फोन करो और इसको उनके हवाले करो। वो जानू अगर भट्ट साहब को यहाँ बुला लिया तो हमारा 1 करोड़ रुपया गया। तो इसको कब तक रखेंगे घर में? हाँ कुछ दिन के बाद तो ये बदबू मारने लगेगा। अम्मा जी फिक्र ना करें, अफ्तार के बाद मैं खुद इस डॉन को थाने लेके जाऊंगा। चले माँ जी, अफ्तारी की तैयारी करते हैं। चल पुत्र आ जाए। तुम कहाँ जा रही हो जानू? मेरे हाथ तो खोल दो। शट अप। ओके जानू। अरे बेटा महमूद, ये लोग तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। अरे कुछ सोच, कुछ कर। अरे अरे, कुछ याद आया? हाँ सब याद आ गया है मुझे, एजेंट 000 और एजेंट 111। अरे वाह बॉस, तुमको तो हमारे कोड भी याद है। हाँ। तो बॉस एक्टिंग क्यों कर रहे थे, हमारा खामा खामे टाइम जाया किया। अरे समझा करो ना यार, मैं जरा तुम लोगों को चेक कर रहा था। अरे वाह यार, डॉन तो बड़ा सियाणा निकला। हाँ यार। चलो अब जल्दी से मुझे खोलो। क्यों खोले? अरे यहाँ से निकलना नहीं है क्या? क्या यहीं बैठे रहेंगे? पुलिस हमें ढूंढ लेगी। फिर क्या करें बॉस? अरे मुझे फोन दो, मैं दुबई अपने बंदे को फोन करूंगा, वो हेलीकॉप्टर लेके आ जाएगा यहाँ हमें लेने के लिए। अरे बॉस, हेलीकॉप्टर यार छत पे कैसे उतरेगा, यहाँ तो टंकियां लगी हुई है। अरे वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, फोन दो मुझे। अब फिर देखो 2 घंटे के बाद हम दुबई में होंगे। हाँ, 2 मिनट दो। चल अच्छा है ना यार, दुबई में अफ्तारी करेंगे और फिर रोजा खोलते ही वही मॉलों में घूमेंगे। मैंने सुना है एक से एक लड़की देखने को मिलती है मॉलों में। अरे मेरी जान, वही किसी लड़की को बटा कर उससे शादी कर लेंगे और वही सेटल हो जाएंगे। तेरे को पता है यहाँ के हालात भी ठीक नहीं है यार। हाँ। हेलो हेलो। हाँ भट्ट साहब। हाँ वो जिस डॉन पे हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है ना, उसके 2 साथी इस वक्त मेरे पास है। जो एड्रेस बताया ना, फौरन पहुंचे उस पे। आजे 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 आजे। चला भाई,
तैयारी पकड़ो, हेलीकॉप्टर आ रहा है 3 परों वाला। मुबारक हो बॉस। खैर मुबारक, खैर मुबारक। यार ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ रहा? अरे यार आजकल सड़कों पे ट्रैफिक भी तो कितना है। चना ले आ जाएगा। खबरदार खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अरे भट्ट साहब आप इतनी जल्दी आ गए? हेलीकॉप्टर में आए ना बॉस। यार बॉस का आदमी कितना इंटेलिजेंट है, पुलिस की वर्दी में आए, किसी को शक ना हो। चल भाई चल, जल्दी दुबई लेके चल, इफ्तारी वहीं करेंगे। अरे इफ्तारी तो तुम दोनों की होगी थाने में। और सिर्फ इनकी नहीं, तेरी भी होगी अफ्तार थाने में पप्पू काले। बट साले मैं बुलबुले वाला महमूद हूँ। चुप कर, परसों से तू बुलबुले वालों को बेवकूफ बना रहा है। चलो थाने। अरे कोई है, मुझे खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। चुप कर के बैठ, चुप। बड़ा डॉन, बड़ा छोटा डॉन से बड़ा डॉन। ओए ना कर, और प्रेशर पड़ रहा है। मुझे खोल दे वरना मैं यहीं कुछ। और नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रोक, कंट्रोल कर, कंट्रोल कर। जब ये सब बहुत पैसे मांगेंगे इन कुर्सियों के, कुर्सियों गंदी करेगा। खोलता हूँ। इंसान बन, इंसान। आराम से, आराम से, आराम से। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम बताता हूँ, कमरे में है। दाएं जाना, उसके बाद बाएं जाना, दूर उसके बाद लेफ्ट जाना है। और भागने की कोशिश ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता दूं। चल चल, इस कमरे में चल 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 चल। नबील जल्दी से टीवी ऑन कर। नबील ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे टीवी से आ रही है। लेकिन टीवी तो बंद है। इसलिए तो कह रही हूँ टीवी खोल इडियट। मशहूर डॉन पप्पू काले को बट साहब ने अपनी जान पर खेल के पकड़ लिया। जानू माँ जी। क्या हुआ पुत्र? उस डॉन को तो बट साहब ने गिरफ्तार कर लिया अपनी जान पर खेल के। अरे अगर डॉन ये है तो जिसे हमने बांध कर रखा हुआ था वो कौन है? मुझे लगता है जानू वो अपने महमूद साहब ही है। दलील कमीने, तूने मेरे मियां का रोजा मकरूह करा दिया है। नबील कहीं महमूद साहब बाथरूम में पानी पीने तो नहीं गए? मैं देखती हूँ। ओ नहीं, सब देखते हैं, चले। आ जी आओ। आ जी आओ, चलो। मामा मैं यहाँ हूँ। हाँ यार, भट्ट साहब के साथ लैट्रिन में क्या कर रहे थे? नहीं यार मामा। ओ भट्ट साहब, क्या कंफ्यूजन है यार? और यार कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो मैंने डॉन के शुभ में महमूद को पकड़ लिया था। करोड़ रुपया आते आते रह गया यार। महमूद साहब अगर यहाँ है तो फिर बाथरूम में कौन है? भट्ट साहब आए यार, करोड़ रुपया आ गया। आ जाए, मुझे पहली पटा में इतनी कूटी जा रही है, ऊपर से तुम भी टाटा लगे हो। यार अंदर तो कोई भी नहीं है। ओ यार बड़सा, मुझे लगता है वो खिड़की से भाग गया है यार। वैश्यवशे। ओ यार अब करोड़ रुपया कैसे मिलेगा? बड़सा अभी आप तय कर लें कि 50 लाख आपका, 50 लाख मेरा। लेकिन डॉन कहां से लाओगे नबील तुम? बड़सा ये रहा डॉन। नहीं चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।